हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केके स्टडी प्लस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसके जो प्रथम तीर्थंकर और फाउंडर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, और इनका सिंबल क्या था? बुल था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला क्या था? हिंसा न करना। दूसरा क्या था? सदा सत्य बोलना। तीसरा क्या था? चोरी न करना। तथा चौथा जो था, संपत्ति न रखना। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो कि अंतिम भी थे। तो महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, जो कि वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धन था। इन्होंने 30 वर्षों की उम्र में माता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्वन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। फिर क्या, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिका के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर को अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। इनको पूज्य कहा जाता है, बंधनहीन कहा जाने लगा, फिर विजेता। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। उनका जो पहला जो उपदेश था कौन सा लैंग्वेज में था? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा गया जाता है, और इनका मृत्यु बिहार के पावापुरी में 468 BC में इनका मृत्यु हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के कुछ धार्मिक जगहों के बारे में, ठीक है? तो एक जो धार्मिक प्लेस है वैशाली, जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। दूसरा कहाँ है? पावापुरी। ये भी कहाँ है? बिहार में ही है। तो पावापुरी में क्या हुआ था? महावीर जी का मृत्यु हो गया था। थर्ड बात करने वाले हैं दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि कहाँ है? राजस्थान के माउंट एबू पे है। तो दिलवाड़ा टेम्पल में वहाँ पर ऋषभदेव का क्या है? स्टैचू है, जो कि किनके द्वारा बनाया गया था? बिमल शाह के द्वारा। बिमल शाह कौन थे? भीमराव प्रथम के मिनिस्टर थे। भीमराव प्रथम कौन थे? गुजरात का राजा थे। चौथा हम बात करने वाले शरण बेलोंगोला, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक मैसूर में है। यहाँ पर किनकी स्टैचू है? स्टैचू ऑफ बाहुबली का। जो बाहुबली जो थे किनके पुत्र थे? ऋषभदेव का पुत्र थे। यह जो स्टैचू था बाहुबली का, किनके द्वारा बनाया गया? ओडिशा के चमुंडा राय के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म का कौन कौन सा फॉलोअर रहे थे। बहुत सारा जो राजा जो थे वो फॉलोअर भी रहे हैं जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे वो क्या थे? जैन धर्म के फॉलोअर थे। और जो कलिंग का राजा जो खारवेल थे वो भी जैन धर्म के फॉलोअर थे। जो पहला जो जैन कंसिल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार के पाटलिपुत्रा में हुआ। और दूसरा जब हुआ वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। फिर क्या होता है, 298 BC में 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, दो समुदाय में बट गया। एक का नाम पड़ा दिगंबर, दूसरा का नाम क्या हुआ? श्वेतांबर। दिगंबर में जो गुरु थे वो भद्राबहु कहलाए, और श्वेतांबर के जो गुरु थे वो स्थूलभद्रा। भद्राबहु ने किताब भी लिखा था जिसका नाम क्या था? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या दिया हुआ है? कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर के जीवनी के उल्लेख है। दिगंबर समुदाय के जो लोग थे वो महावीर को अनमेरिड मानते थे, और इसमें कितने अगम थे? 4 अगम थे संस्कृत लैंग्वेज में। और श्वेतांबर समुदाय के जो लोग थे वो महावीर को अनमेरिड मानते थे, इसमें 12 अंग 14 पुरवा थे, जो कि किस लैंग्वेज में थे? प्राकृत लैंग्वेज में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।